गढ़ दिल्ली सो करी चढ़ाई करी बादशाह कोच, गढ़ दिल्ली सो करी चढ़ाई करी बादशाह कोच, हिंदू पत मेवाड़ धनिया अरे ऊंची रागी मुजरे निकल की दादी कर, ये तो सुरवीर जिंदा निकलंग रागी दिल्ली पद को बादशाह सब किला ने कब्जा में ले, मन में विचार करे मेवाड़ का चित्तौड़ किला नहीं मारा कब्जा में लूं, बादशाह फौज ले और आक्रमण कर दो चित्तौड़ पे, डेरो नाग दो पहली पोल पे आ, चार महीना तक बादशाह की फौज चित्तौड़ किला का पहला गेट पे पड़ी रही, लेकिन पहला गेट को दरवाजो ने खोला सके चार महीना तक, आगे कौन चित्तौड़ किला पे मारना पड़ता, मूछ पे हाथ मेलन क्यों कि मारा जीविता तो चित्तौड़ पे पग तक हाथ ने देबा देऊं, तो सब जना तेज बोलो आज भी मेवाड़ की मूछ राखवा वाला राख नहीं किया, अपन बोलूं तो कहां सूख जाओ, बोलूं तो कहां चूक जाओ, राखवा वाली रखी आप उन्होंने, तो तेज बोलो आज भी मेवाड़ की मूछ ऊंची है। ये भजन जो भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, ये भजन मेरे गुरु भाई भी हैं, मोसे जी भी हैं, वो लेखक है कपासन का उकार जी, जो मारना पड़ता मूछ पे आदमेल के लिए मारा जीवता चित्तौड़ के लिए मैं पगने देवा देऊं, तो मूछ पे आदमेल के जो आज मेवाड़ की मूछ ऊंची है, लेकिन मना भजन लिखे जी मैं एक भजन मना थोड़ा दिन पहले वो लिख दी दो आप भी होने हो मुंगाना का जगदीश महाराज गायन कपासन का उकार जी लिखियो, गणा की मूछ नीची वेगी सीता जी का ब्याव में, गणा की मूछ नीची वेगी सीता जी का ब्याव में, अरे बड़ा बड़ा बलशाली जो था क्या बारा का भाव में, तो मन का कपासन का हुंकार जी ने ओड़बो दी दो कि मेवाड़ में रे और मुच्छा ने नीची कर दी थी, तो कपासन का ओंकार जी क्यों मुच्छा नीची किसान भी थान लिखियो, गणा की मुच्छा नीची वेगी सीता जी का ब्याह में, बड़ा बड़ा बलशाली योद्धा गया बारा के भाव में, तो क्यों नीची वेगी के हाँ, तो ओंकार जी दो लाइन और ही लिखी वाकई लिखी, गणा की मूछ ऊंची राखी, गणा की मूछ ऊंची राखी महाराणा मेवाड़ में, अरे सनमुख शत्रु आया लड़बा के जन मेली माड़ में, एक ये मोचा ऊंची वेगी सा जतरे एक आड़ू आदमी हो जो कपासन का ओंकार जी ने जान के वाह ओंकार जी वाह, भजन बेड़ा लिखो गड़ी मोचा ने नीचे कर दो गड़ी ऊंची कर दो, तो आड़ू हो जो बनी क्यों काओ मोचा वे वे तो नीची वे अन मोचा वे वे तो ऊंची वे अन सही ते की मोचा ने वे वे तो ओंकार जी तो कवि है क्यों ने वे वे जाकर लिख लिख बाकी लिखनो हां कहीं कहीं लिखो वरना मूछा वाला की तो वरना मूछा वाला की लिखियो कहीं लिखियो कि कणा की आंखें फाटी रेगी और फाटी की फाटी रेगी, कणा की आंखें फाटी रेगी फाटी की फाटी रेगी, मूछा वाला रे गया ताकता सीता राम जी की वेगी, सीता सौम्र में लेकिन किकी दाल ने गली आखिर में वो जोड़ो तो ठेठो चालू आ रियो जो चालू जो रियो कटे डब्बा में हाई स्कोर ने, तो जो बात चल रही थी मूछ पे हाथ मेल मारना पड़ता है क्यों मारा जी इतना जी तोड़ के लापे पगे नगा दे बा दे, तो बादशाह मन में विचार की दो रे चार महीना वे गया आपा चित्तौड़ को पहलो गेट को दरवाजो न खुला सकरिया अश्योणा मेवाड़ वाला का पा कई जोर है जो ये अपना कब्जा में ना आ रिया, तो बादशाह मन में विचार कर और कई विचार करे बड़ सूची त्यू ना ही बादशाह तो सोचे झुकती और, बड़ सूची त्यू ना ही बादशाह सोचे झुकती और,
इसड़ो कई अणी मेवाड़ धनी के अरे करा मात को धर रे निकल की शादी करे ये तो मिला बता निकल करा मेवाड़ वाला का पाकाई करा माते में देखनो चाहूं जो अपना कब्जा में ना आवे तो फिर मेवाड़ वाला की करामात देखवा के लिए बादशाह काई करे 16 कोठा 12 खंब की एक छतरी सासे रामाई 16 कोठा 12 खंब की एक छतरी सासे रामाई चौतरफा सेना के बीच में मैं देवू ढोल जो डराय रे निकल की शादी करे सुरवीर सिरदा निकल करा मेवाड़ वाला की करामात देखवा के लिए मारना पड़ता है आपकी करामात देखवा के लिए बादशाह कहीं करे सांसेरा का जंगल रेल मंगरा तहसील बनेड़िया और दरीबा माइंस के बीच विराट जंगल हो ई जंगल में एक छतरी बनी तकी देखी बादशाह मन में विचार के दो यह छतरी है इनमें छुप जाऊं चारों तरफ सेना को पैरों लगाई दो उर्मा के सही छुप जाऊं लेकिन बादशाह मन में विचार के दो अगर मारो दुश्मन है सेना अगर कंट्रोल ने भी तो डायरेक्ट मैंने छतरी में आने पकड़ ली तो वी छतरी के चारों तरफ जाप तो की दो कहीं जाप तो की दो चौड़ाई 21 हाथ और 7 हाथ गहराई चौड़ाई 21 हाथ और 7 हाथ गहराई वि छतरी के चारों ओर खोदाई या लंबी चौड़ी खई रे निकल की राजी करे ये तो मिला बरा निकल के राजी करे छतरी के चौतर पे 21 हाथ को जोड़ी और हाथ हाथ घेरी बादशाह एक खई खोदई और खई कहाँ खोदई बड़ी खई में खोदा के बाद में कहीं की दो मोटा मोटा लकड़ा भराया वी खाई के माई मोटा मोटा लकड़ा भराया वी खाई के माई अबे हुरमा के संग रियो बादशाह लगा बबकती लाई रे करगी दादी कर ये तो आमिला मरा निकल गला भजन चेंज करा यो भजन होना लगा पहली मैंने भी होचना समझना पड़े कि मेरे सामने जेंट्स डिपार्टमेंट बहुत कम है और लेडीज जाके मारना पड़ता है वो कोई लेना देना ही और सुने समझे तो ये भी इतिहास वाली बात है लेकिन समझना पड़ता है था कि वो नाचवा को बजने को खड़े होना 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 मारणा प्रताप के लिए बादशाह कतरो जाप तो की दो सांसेरा का जंगल में आवी छतरी में पोड़ जावे चारों तरफ सेना पैरों दे रही है और 21 हाथ को चोड़ी और हाथ हाथ गेरी बादशाह ने छतरी के चारों मेरे खाई खोदई दी खाई खोदार कई की दो भी मैं मोटा मोटा लकड़ा भराया लकड़ा भरा और वहां में आग लगाई दी कि अब कोई भी मारो दुश्मन मारा तक छतरी तक न पहुंच सके चारों तरफ आग लग रही है और बारे सेना पैरों दे रही है अत्रो जाप तो कर फिर बादशाह काई की दो 1636 के संबत वार मिलियो शनिवार 1636 के संबत वार मिलियो शनिवार एक पाती लिख भेजी बादशाह निज सेवक की लार रे निकल की दादी करे ए तो सुरवीर सिरदा निकल करा छत्तीस को सम्मत शनिवार का दिन देख अत्रो जाप तो कर और बादशाह पचे पत्रिका लिख और वह पत्रिका अपना दूत के लारे मानना प्रताप के पहुंचाई या थोड़ा समझ के सुने और समझे
दूत ने पत्रिका देना तो जाप तो कर पहुंचा है। सुबह शनिवार के दिन 8 बजे सांसेरा का जंगल मु छतरी मु रवाना की दू के जाओ पत्रिका महाराणा प्रताप तक पहुंचाओ। तो वणी टेम एक दूसरा को पत्तो किसान लाग दो कौन कटे ए बेटा थे घणी देर वेगी मने नंगे थे घबरा की पग्गी भी अंटा क्या बैठे थोड़ी उठने वायरा पकड़ लियो अब हां जाओ भाई घूमिया परियो नहीं सुनो वो कोई लेना देना लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। नो डिस्टर्बेंस प्लीज टेक योर सीट। मेरे भजन जो मैं गाता हूँ नोट लिस्ट में नहीं है सब डायरेक्ट मेमोरी लोड है ड्यूटी पूरे रोड वेदा मेमोरी। तो दूत पत्रिका ले रवाना वे वाला को लेकिन अब पहुंचावे कटन जावे कटे तो वाको खुद को संकेत पतो लगा लागता है दूत कुण आदमी कटे है अब आपने कटे पहुंचनो तो वणा संकेत पतो लगायो महाराणा प्रताप कटे तो पतो मिलियो संकेत के उदयपुर दरबार में। तो दूत सांसेरा का जंगल में हुआ पत्रिका ले सुबह 8 बजे पैदल पैदल रवाना लिया शाम को 4 बजता उदयपुर पहुंच दरबार में पेश हुए थे दूत महाराणा प्रताप के सामने जब पेश हुए पत्रिका जेल ही महाराणा प्रताप पत्रिका दाया हाथ में जेल कॉल पडबा लगा। तो दूत जो पत्रिका लाए जी में बादशाह महाराणा प्रताप के लिए कई लिखियो जो है मूछ काटबा को कारण आपा जवाब दे सका मूछ अणी कारणों काटी तो कई लिखियो बादशाह पाती लेकर आवियो यो दिल्ली को दूत पाती लेकर आवियो यो दिल्ली को दूत 3 दिन में नुकसान करे जदी अरे जानू धने रजपूत रे निकल की दादी करे ओए पाटी लाओ मरा निकल करा पत्रिका में बादशाह लिख्यो के मारे 3 दिन में कई नुकसान कर दई तो तू रजपूत है बाकी रजपूत कौन है। महाराणा प्रताप या बात सुनते ही पढ़ते ही और गुस्सा आयो अगर सामने वे तो केटी काटना के लेकिन सामने कौन दूत और दूत का ऊपर हाथ उठाओ उचित नहीं माने ऑथोरिटी वे अटूट को जा सके। महाराणा प्रताप ने गुस्सा आयो जी पे लिया मन ही मन में विचार की दो ऐसो कोई देव नहीं जो आपने बदला दे मारना पड़ता मन में विचार कर अशो कोई देवता कोई ने मौजूदगी में जो मने आन के देख था कि या पत्रिका लिखो वालो बटे बैठो यदि मने घनी देर न लगे तुरंत जा नुकसान कर दू लेकिन कोई देवता भी मौजूदगी में ना आ रही हो। तो आमेर जिला का अगर सिंह जी बाबूजी महाराणा प्रताप के बड़े बेटा था आमेर जिला का अगर सिंह जी बाबूजी तो अगर सिंह जी बाबूजी महाराणा प्रताप ने क्या बोला कहा कि अगर सिंह फरमावे हंदाता इमे चतुराई भी छावे रे निकल की दादी करे ओए तो सूरवीर जिलदा निकल गया अगर सिंह जी बाबूजी को महाराणा प्रताप इमें बड़को काम कोई ने लड़ाई को काम कोई ने इमें चतुराई छावे चतुराई महाराणा प्रताप क्यों कहीं चतुराई के 80 बात लिखन भेजो वालों कोई चोड़े दाड़ ना बैठो भाई वो पूरो जाप तो करन बैठो भाई पहले तो विने आपने हमारनो वो है कटे जदी महाराणा प्रताप को जदी आपा कहीं करा अगर सिंह जी बाबूजी की अगर मारी बात मानो तो आपा एकदम उदयपुर चित्तौड़ चला और चित्तौड़ चालन कहीं कहीं उपाय बनावा मारना पड़ता क्यों चित्तौड़ चाला परा चाला लेकिन चालना कड़ी अपना पा कई साधन व्यवस्था कोई नहीं चेतक मारना पड़ता पा है लेकिन चेतक ने मारना पड़ता कुंभा भरबा में काम में नहीं लेता खाली युद्ध में लड़बा जाता जटिस चेतक ने काम में लेता। तो कह रहा आपा चित्तौड़ चाला लेकिन चालना कड़ी तो आमेर जिला का जो अगर सिंह जी बाबूजी है महाराणा प्रताप ने क्यों बाबूजी आप तो चालबा की तैयारी करो व्यवस्था है तो अगर सिंह जी बाबूजी की व्यवस्था बताई सांड सवारी करो हंदाता ते करी करी मन में जोश सांड सवारी करो हंदाता ते करी करी मन में जोश
बीकानेरी सांड पैर में अरे चाले चोरिया सी गोसरे निकल की दादी करे ओ ससुर वीर जिंदा निकल करा करे अगर सिंह जी बाबूजी के वाला का मारना पड़ता अब मैं जो बीकानेरी सांड लायो वा सांड एक पैर में चोरिया सी कोस जावे एक पैर तीन घंटा को तीन घंटा में भी सांड की चालबा की स्पीड चौरासी कोस और चार किलोमीटर को एक कोस स्पीड जो तीन घंटा में चौरासी कोस जावे चालबा की तैयारी करो वनी सांड का ऊपरे अगर सिंह जी बाबूजी मानना पड़ता उदयपुर शाम को इस पांच बजे बैठ गया और उदयपुर चित्तौड़ के लिए भी सांड ने रवाना करे कनी प्रकार पवन गति जू चाली सांड या नहीं पड़बा दे रात पवन गति जू चाली सांड नहीं पड़बा दे रात अगर सिंह महाराणा भी राजा ले बंदूक का हाथ रे निकल की दादी करे ये तो सूरवीर सिरदार निकल करा करे अगर सिंह जी बाबूजी मारना पड़ता बंदूक वाले तो ही विराजमान भी गया सांड और उदयपुर चित्तौड़ के लिए रवाना के दिन संध्या समय पांच बजे चार बजे दूध पहुंचे और पांच बजे रवाना भी गया शनिवार के दिन और सांड की चालबा की गति पवन गति चालबा की गति गई पवन गति और वह सांड अगर सिंह जी बाबूजी महाराणा प्रताप ने कितने चित्तौड़ में पहुंचाया और कई जगह पहुंचाया तीन आदन की टेम में पहुंचा गढ़ चित्तौड़ तीन आदन की टेम में वे पहुंचा गढ़ चित्तौड़ कोई बड़ा के माई मिली दो सास बहु की जोड़ रे निकल की शादी करे ओए तो सूरवीर सिरदार निकल गरा करे सांड दिनस्त वेता वेता शनिवार के दनीस वाने चित्तौड़ पहुंचाया और चित्तौड़ में भी बोईवाड़ा बोईवाड़ो बोले बोई माल्या को जो मोहलो जिन्ने बोले बोई वाड़ो बट्टे जान वासांड रुकी अगर सिंह जी बाबूजी मारना पड़ता अब नीचे उतरिया और जनी मकान के बारे चार उतरिया वनी मकान में एक सासू और बहू दो ही रह रहे और ही कोई इसको नहीं सासू को नाम अरकू और बीनी को नाम कर्मा वाके अलावा कोई इसको ही नहीं अचानक सासू की नजर पड़ी घर के बाहर तो देखे गई घर के बाहर ने महाराणा प्रताप खड़ा था तो महाराणा प्रताप ने खड़ा देख और सासू बाहर निकल हाथ जोड़ महाराणा प्रताप ने कहने लगी आज माँ के पधारिया बामणा यो भल्लो उग्यो भाड़ आज माँ के पधारिया बामणा यो भल्लो उग्यो भाड़ कई काम पड़ियो माँ का सो के वो महीपत महाराण रे निकल की शादी करे सासु जान के होगा आज माँ के पधारिया पामना यो भलो यो बाण सोना को सूरज हो आप माँ के मेहमान भी और माँ को अशियो गरीब हो कई काम पड़ियो जो आप आया हो कई नौकर भेज देता समाचार भेज देता मैं आ जाती अब मारना पड़ता आपने जान के लिए कई काम पड़ो बनी टेम मारना पड़ता आपको आख्या लोई बरस दियो कहा बादशाह तीन दिन की मोलकत दी थी जिम्मो शनिवार को दिन अस्त वे गयो है और दन दो इस बाकी दितवार और सोमवार या दो दिन में नुकसान करे तो रजपूत है बाकी रजपूत कोई वाने तो गुस्सा आ रही हो सासू क्यों अशियो कई काम पड़ियो थे कहा या नौकर भेज देता मारना पड़ता मन में विचार के तो या पूछ रही है काम कई पड़ियो तो आपनो है जो काम ही नहीं बतावा यही कहीं कहीं रिश्ते तो बताए तो मारना पड़ता आपनो जो काम हो सासू ने बतावा लगा क्या बलगा अड़ी ढाल सुढाल दीदी रजपूती की आन अड़ी ढाल सुढाल
दीदी रजपूती की आन लगती लाई के माई ने अरे करनो मने नुकसान ये निकल की दाजी करे सासू के बाला की अशियो कई काम पड़े हो तो मारना पड़ता है क्योंकि बात पहुंच रही है कई काम है बात पहुंच रही है कारण पहुंच रही सुन ले बात अशी अड़ी तक की डालो डाल अड़ी डाल सो डाल दीदी रजपूती की आन डालो डाल अड़ी तक की है आन रजपूती की दे रखी है और लगती लाई में जान नुकसान करने वाला लाई कटे लग रही जी को पतो कोई नहीं भक्त लोग या मारना प्रताप की बात सुनते तुरंत सासू मारना प्रताप ने कहवा लगी साढ़े चार सौ वर्ष उमरिया मैं अन्न आपको खाबो साढ़े चार सौ वर्ष उमरिया मैं अन्न आपको खाबो पाचिया थाने भोजन जी मामो काम पे लिकर और निकल की दादी करे सासू के बला की मारना पड़ता हाडा 400 साल वे गया माने अटे रेता रेता ने हाडा 400 साल थाका रावड़ा को अन खाता खाता ने आज दन तक थाका रावड़ा वाला माने कोई काम ने बढ़ायो ने कोई काम बतायो और था पहली बार आया वो तो खाली हुक्म कर दो तो थाने मु रोटी पाची आन खवाऊ था को तो थाका काम ने परो करियो मारना पड़ता मन में विचार की दो कई न कई जोड़ तो है क्यों था कि उम्र हाडा 400 साल है हाओ हा हाडा 400 साल मां की उम्र है था कहीं चित्तौड़ पे जतरी लड़ाई भी जाने सबने मैं देख रही लेकिन मैं कई करा मैं ही देख रहा माने कोई एला पाड़े तो मैं ही जावा माने कोई एला पाड़ी को मैं गी को एला पाड़े तो मैं ही जावा कोई एला पाड़ी को मैं गी को फिर भी मारना पड़ता क्योंकि नहीं नुकसान थन ने करनो नुकसान तो मने करनो है कि आन मने दीदी तक की है थने आन ने दीदी सोगंध मने रजपूत की दीदी तक इतने थोड़ी दीदी की इनलिए नुकसान करनो तो मने करनो तने ने करनो फिर भी सासू हाथ जोड़ मारना पड़ता वागर सिंह जी ने अपना घर में ले जावे बैठक व्यवस्था दे बिठाया और बिठा और हाथ जोड़ के बला की पहली भोजन करो भावसु बच्चे करो थोड़ो विश्राम पहली भोजन करो भावसु बच्चे करो थोड़ो विश्राम परदे राखो बात राणा जी ये सगत्या सारे कामरे निकल की ताजी करे ये ताजी लाओ मरा निकल सासु के वाला की आप तो था क्या बच्चा आया वो आराम करो भोजन करो अन काम तो वेजे ही आप सभी का ध्यान चाहूंगा अब 80 टेम में मारना पड़ता आपने रोटियां भावे आंखें लोई बरस लियो तीन दिन की मौलकत दी जी मु एक दिन खत्म वे गयो दो दिन ही बाकी रिया अरवा कह रही रोटियां जी मोन आराम करो अन काम तो वेजे ही मारना पड़ता को नहीं रोटियां रोटियां मां के ने खाई सासू मन में विचार की तो कर रही रोटियां ने खावे भोजन ने करे तो आप यहां लेट भी ने करा तो सासू अगला उपाय बनायो क्या वो सासू कहे सुनो बीनड़ी ते थोड़ा नेड़ा आवो सासू कहे सुनो बीनड़ी थोड़ा नेड़ा आवो कंबीरी तट एक पीपल मोटो बिने परो बुलावो ये निकल की दादी करे सासु बीनड़ी आवाजी बीनड़ी पूरा पधारो वही सासु की बीनड़ी करमा लंबो घूंघट काट हाथ जोड़ सामने आखड़ी वेगी आदेश करो हुक्म करो सासु क्यों जाओ गंभीरी नदी तट पे जाओ बटे मोटो जंगी पीपलो है पणी पीपला ने जान के जग मारा सासु जी बुला रिया है और बात
शनिवार का दिन की शाम को 9 बज रही है, रात की 9 बजे बीनली ने काम बढ़ायो और उसी टाइम बीनली रवन्ना वेगी जा गंभीर नदी तट पे जान बीबड़ा निकल बीबड़ा मारा सासू जी बुला रिया केणो कही दो और पाछे घर के लिए रवाना वेगी और वो पीपलो भी जड़ा खुदी उकल और वहां का पाछे 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 आ और वहां का घर के बारे आर खड़ो वेगी अटने अगर सिंह जी मारना पड़ता आपने क्यों लो चालो मारना पड़ता अगर सिंह जी के कौन मोटो चाला कट्टे चाला कणियो चाला को हारी व्यवस्था वेगी आप तो घर के बाहर पधारो तो जो ही पाछा घर के बाहर आवे तो देखे कई घर के बाहर नहीं जंगी पीपड़ो कड़ो तको सासू मारना पड़ता अगर सिंह जी को बैठो यहीं पे मारना पड़ता अपनी पीपड़ा बिठाया अगर सिंह जी ने पीपड़ा बिठाया सासू भी बैठ गई और बीननी बैठ गई चार ही पीपड़ा बैठ गया पीपड़ा बैठ और रात की 10 बजे शनिवार के दिन चार ही पीपड़ा बैठने के बाद में सासू हाथ जोड़ मारना पड़ता अगर सिंह जी ने क्यों आप दो ही जना आशी कर जियो थोड़ी आंखें बंद कर लीजिए सही थे आपने चक्कर आ जा तो कह वे दो ही गणपति बैठिया ये बंद कर ली दा ने दो ही गणपति बैठिया बंद कर ली दा ने ई छतरी के वे पिछवाड़े उतर गया या ढलती आधी रेण रे निकल की दादी करे आधी लाओ मरा निकल करा रात की 10 बजे चित्तौड़ किला भोईवाड़ा मो सासू और बहू अगर सिंह जी मारना प्रताप चारी पीपड़ा बैठ और रवन्ना व्यावा सासू मणि पीपड़ा ने आकाश मार्ग में उड़ायो आगे सारसेरा का जंगल में बादशाह खूब जाप जो कर मिलियो खई खोदा लकड़ा भरा आग लगा मिली चारों तरफ सेना पेरो दे रही है निश्चिंत सोए तो को बादशाह लेकिन रस्ते रस्ते मारा तो कोई आई न सके लेकिन वो पीपड़ो गेले गेले ना आयो वो आकाश मार्ग मु आयो और जो ही उड़तो उड़तो पीपड़ो आ और डायरेक्टली छतरी का पाला पाड़े उतर गयो पीपड़ो उतरियो सासू मारना प्रताप भगत सिंह जी के नीचे पधारो और आपके जो भी नुकसान करनो वे जो करो मारना प्रताप नीचे आने के ठाणे आ गया उतर और मारना प्रताप छतरी में जावे तो जार दर्शक ही देखवान मिले मारना प्रताप ने सुख भर सू तो बादशाह तो राणा की तो विचार सुख भर सू तो बादशाह तो राणा की तो विचार चोटी पूछ दोया की काटी काटी कठण कटार रे निकल की दादी करे छतरी में जान देके तो नींद में सोए तो को सुख भर सूतो तो को बादशाह उर्मा के सही थी सुख भर नींद में सूतो देख मारना पड़ता मन में विचार की तो वारे असी बात लिख और अत्रो जाप ध्यान हो तो और गुस्से ही गुस्सा में नुकसान करनो मारना पड़ता बादशाह की मूछ काटना की और उर्मा को चोटो काटना क्यों कदी शनिवार के दनी से 12 बजता पहला बादशाह मौलकत दीदी 3 दिन की और काम एक ही दिन में वेगियो जोरदार ताली बजाओ आल छावे तो नुकसान कर लोर कर दी तो अत्रा में नुकसान तो कर दी तो जय हो प्रभु आपकी जय हो बोलो भोलेनाथ की एकलिंगनाथ भगवान की जगदम्बे मात की नुकसान तो मारना प्रताप कर दी तो बादशाह की मोच काटेंगे उर्मा को चोटो काटेंगे लेकिन मारना प्रताप को गुस्सा शांत ने भी कारण के नुकसान की दो जो ही मोचा को की दो है ये तो काले बादशाह जी मोचा नो तो काले वाली कोई नवा हम चार गंदा आई तो यदि मारना प्रताप मन में विचार की तो अशुभ मौको फेर न मिले मौको मिल गयो है तो खाली हाथ न जावा इन हुता तक न बादशाह ने ठीक खत्म कर दूं ताकि लड़ाई खत्म हो जा यूं मन में विचार कर मारना प्रताप अपनी तलवार पे हाथ घुमायो जो ही तलवार पे हाथ घुमावे बात कही बने अवसर पा राणा जी काटी या कमरी कसी तलवार अवसर पा राणा जी काटी
या कमर कसी तलवार, खबरदार जद वे पीर बोल गया मैं हां पहरेदार रे निकल की दादी करे जोई मारना पड़ता। तलवार पे हाथ घुमाओ कि ने जानो खत्म कर दूं। तलवार पे जो हाथ घुमायो और तलवार निकलवा लगा अतरा में छतरी का खंभा मोवाजी खबरदार नुकसान करवाना आया हो तो नुकसान ही करो इन्हें जानो खत्म मत करो मारना पड़ता टूटने लगा क्यों थे कौन तो भी छतरी का खंभा मोवाजी में पांचों पीर अटे पेरेदारा जदी मानना पड़ता है केवल लगा वाह 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 मु धर्म को युद्ध लड़ रही हूं जो मारे लारे कोई कोई नहीं और यो बादशाह अधर्म युद्ध लड़ रही हो जिके पांच पीर पेरो दे दिया है तो यो मानना पड़ता है मन में विचार आयो कहीं आयो कि धर्म के साथी ना कोई अणी के पीर पहरेदार धर्म के साथी ना कोई अणी के पीर पहरेदार यो मन में विचार आयो जितने या मन का भाव पीर समझ गया मारना प्रताप का मन में कई विचार आ रहे हो मारना के तुरंत पीर मारना प्रताप ने क्यों गलत महाराणा आपकी सोच गलत है और पीर मारना प्रताप ने क्यों कहे पीर सुनो राणा जी पाछे देखो नजर पसार रे निकल की ताजी करे लगा पाछे देखो पाछे ठेके गिरा के मां के थांगे लारे कोई कोई ने थोड़ा पाछे देखो मारना प्रताप छतरी में ऊपर तक देखो पाछे कहीं जोई मारना प्रताप हल्का पाछे घूम और देख पा लगे तो जोई पाछे देखे तो मारना प्रताप ने कहीं देखवा मिले ए कलिंग ना जा सवारी बम बम भोला नाथ ए कलिंग ना जा सवारी बम बम भोला नाथ सिंह सवारी मात काल का ले खांडो खपर हाथ रे निकल की दादी करे ये तो आती लावरा निकल गया एक लिंग एक बार सभी जो जागृत हैं चेका लगाए बोलो एक लिंग नाथ भगवान की काली का मात की एक लिंग नांजा सवारी बम बम भोला नाथ सिंह सवारी मात काल का ले खांडो कपरात ये दो ही जना पाचीस खड़ा थका दोया ने देख और मारना प्रताप मन ही मन झुकन प्रणाम की दो अन मन में विचार की दो और मैं तो देखूं मारला रे कोई कोने बना अपने उबा दी करे दो है अपनी उबा है क्यों वाह जदी ये उबा जदी तो इन्हें हुता तकन कहीं मारनो जदी तो मौका पीस मारा ये अपन ला रहे हैं जदी हुता तकन ने मारा ओ मारना के मन में विचार आयो जतो पीर मारना पड़ता आपने क्यों मारना आप एक बात मां की छोटी को ओरी होण लो कहीं केवा लगा बहु बेटी पीपल कने या सासू आई लार बहु बेटी पीपल कने सासु आई लार ये दो सकत्या था के घणी वो राणा जी था वीरता का तो विचार रे निकल की दादी करे मारना प्रताप बहु बेटी पीपड़ कने पीर के लिए मारना आपके लारे जो बीननी है जो पीपड़ा की नंगे राख रही है और हाउजी आपके लारे उबा तका है माँ का भरोसे आ गया या को कोई बाल खंडों ने कर दे मारना प्रताप अगर था कि या बीननी है जो अगर पीपड़ा की नंगे न रखे तो था कहीं पीपड़ा ने मैं उड़ा देवा तो थे पास जाओ कड़ी हूँ जाओ पर याने पहले ही नंगे याने राजनीति में लो तो कंप्लीट और रणनीति में लोते ही कंप्लीट है
याने पहली नंगे का अपना पीपलो कोई उड़ा देवे तो एक जनी पीपल की नंगे राह करी जदी मारना पड़ता है क्यों रे भाई जदी तो ये बादशाह ने हुतर तक ने मारा जदी तो इन्हें मौका पीस मारा मन में ठान और मारना पड़ता है कहीं की दो कागज लिख हाथ आदियो मैं तने जामू जीव तो छोड़ कागज लिख हाथ आदियो मैं तने जामू जीव तो छोड़ रण में हमो मले मती रे थारा टुकड़ा कर दूला तोड़ रे निकल गई शादी करे सुध बुध बुध रही मेरी नींद चुरे सुध बुध बुध रही मेरी नींद चुरे मेरा मुश्किल कर दिया सीना बड़ा दुख दिया तेरे लब प्रताप क्यों कागज लिख हाथा दियो मिथने जाऊं जीव तो छोड़ अब रण में हमो मल्ले मती दूजी थारा टुकड़ा कर दूला तोड़ ये कागज लिख उतत का बादशाह का हाथ में दे और चार ही जना पाचा मणि पीपड़ा पे बैठ और पाचा रवन्ना वे गया और चित्तौड़ जावे के भाई पीपल चढ़िया सूरमा आया चित्तौड़ दरा के माय चित्तौड़ पहुंच मालना पड़ता मां सासु बहु ने क्यों मांगो जो छावे जो मांगो काकी आज था मां को साथ दे दो जो छावे जो मांग लो सासु बहु तो ही मना कर दो नहीं मां के कष्ट में छावे नहीं था मां को साथ दे दो थाने कहीं कहीं मां का निकल लेनो पड़ी सासु बहु को मां के कष्ट में छावे आपको आशीर्वाद छावे कि नहीं मेवाड़ को नियम है मैं फोकट में काम नहीं करावा था मां को साथ दे दो है तो कहीं कहीं थाने लेनो पड़ी आप सबसे तेज आवाज मांग रहा हूं मेवाड़ को नियम कहीं फोकट में काम अन अबे आपनो नियम ऑल टाइम चल रही सासु बहु तो इनकार वेगी मांगे कष्ट चाहे फिर भी मानना पड़ता है सासु और महुने कहीं देवे साढ़े 300 बीघा जागीरी बना संगत्या ने बगसाई रे निकल गई दादी घरे साढ़े 300 बीघा जागीरी मानना पड़ता सासु और बहु ने अनि काम की वाने दान में दी दिए बतावे आज भी चित्तौड़ में 350 बीघा जागीरी सासु बहु के जो भी परिवार है वाका पांवा जागीरी है जो अनि काम की वाने दान में दी दिए जो वीर गाथा मैंने जिस पॉइंट से प्रारंभ की उसी पॉइंट पे ले जाकर इसको विश्राम देऊं जय दड़ राखे धर्म को तो तेही राखे करतार जय दड़ राखे धर्म को ही राखे करतार सूरा और वीरा की गाथा यो कत गावे ओंकार रे निकल गी दादी करे ये तो आशिला मरा निकल गी